हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? 13 महीनों के बाद बृहस्पति देव ने अपनी राशि बदली है, गुरु ग्रह ने अपनी राशि बदली है। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं और पिछले एक साल से गुरु तुला राशि में स्थित थे और वृश्चिक राशि में इन्होंने गोचर किया है और वृश्चिक राशि में 5 नवंबर 2019 तक ये रहने वाले हैं। इसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह को लेकर ऐसी मान्यता आती है कि जिस भी राशि में ये रहते हैं उसके लिए शुभता लेकर के आते हैं। बुद्धि और कौशल के स्वामी गुरु के स्थान परिवर्तन से हर राशि प्रभावित होती है। ऐसा नहीं कि जिस राशि में प्रवेश कर रहे हैं सिर्फ उस पर ही प्रभाव पड़ेगा, बल्कि हर राशि इससे बहुत गहराई से प्रभावित होती है। तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये मैं आज बताऊंगी। पहले समझ लें, गुरु हो या बृहस्पति हो, इनको सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया गया है, इसलिए इनकी चाल प्रत्येक जातक को प्रभावित करती है। बृहस्पति को हम क्या मानते हैं? धर्म हुआ, ज्ञान हुआ, संतान हुआ, वैवाहिक जीवन हुआ, गृहस्थ हुआ, शांति हुआ, पेट संबंधी रोग है, सभी का कारक कहा जाता है। यदि बृहस्पति की स्थिति जन्म कुंडली में ठीक नहीं है तो बृहस्पति देव अनिष्टकारी फल देते हैं। इस साल बृहस्पति देव ज़्यादातर समय तुला राशि में थे और उन्होंने अब किया है गोचर। और ध्यान रहे आपको कि सूर्य के निकट रहने से 12 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में बृहस्पति ग्रह अस्त हो जाएगा और अस्त होने से बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन तब तक आपको इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। आज मैं आपको चंद्र राशि को आधार मान करके गुरु के 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो बताने जा रही हूँ। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है उसे ही राशि या चंद्र राशि हम मानते हैं। तो चलिए बता देती हूँ आपको, गुरु का गोचर वृश्चिक राशि में आने से सभी राशियों पर क्या क्या असर पड़ने वाला है। यदि आप, सबसे पहले बता दूं, फर्स्ट राशि यानी कि मेष राशि, अगर आप मेष राशि के हैं तो अक्टूबर 2018 से गुरु और बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, अतः आपके कार्यों में वृश्चिक ही रुकावट लाएगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा? आपका मन अशांत हो सकता है, संयम बरतना चाहिए। जब हमको पता चल जाता है कि हमारा समय ठीक नहीं है तो ऐसे में वैसे ही रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उल्टा उस समय आपको पेशेंस लाना चाहिए ताकि बुरे समय को आप खुद बुरा ना बना लें, बल्कि बुरे समय को आप पेशेंस के साथ अच्छा बना करके निकाल सकें। आप देखेंगे आपकी समस्या का समाधान निकल जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ध्यान रखें। गुरु को मानते हैं हम व्यय और यानी कि खर्चा और भाग्य का स्वामी, और ये अष्टम स्थान में विचरण कर रहा है, तो अष्टम स्थान से धन भाव पर गुरु की दृष्टि होने से धन लाभ होने की संभावना बन रही है। इंटरेस्ट हुआ, फिक्स डिपॉजिट हुआ, इनमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो इससे आपको लाभ मिल सकता है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ खर्च पर कंट्रोल रखें, नहीं तो खर्च बढ़ने के चांसेस हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर आप स्पेंड कर सकते हैं, इस समय धन का निवेश करना ठीक नहीं होगा। हालांकि परिवार में खुशियां और धन की प्राप्ति होने वाली है। नए कार्यों में आपको चांसेस मिल सकते हैं। विरोधी आपके जो भी हैं, दुश्मन थे, वो सभी अभी इस टाइम पे शांत बैठे रहेंगे। प्रसन्नता और अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, और ध्यान रखें आरोप लग सकते हैं आपके ऊपर। विपरीत, जो ऑपोजिट सेक्स जिसको हम बोलते हैं, लड़कियां हैं, अगर आप लड़के हैं तो लड़कियों से सावधान रहें, अगर आप लड़की हैं तो लड़कों से सावधान रहें। इस मामले में ज़्यादा पड़पंच में ना पड़े, ना ही आपको ज़्यादा अट्रैक्ट होकर किसी रिस्क को लेने की ज़रूरत है। गुरु को बलवान करने के लिए आपको पीतल का एक कड़ा धारण करना चाहिए। सोना पहन सके तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो पीले पुष्प भी अगर आप मंदिर में चढ़ाते हैं तो इससे भी जो मानसिक अशांति है उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ ना कर सके तो लड़कियां अपने बाएं हाथ में और लड़के अपने दाहिने हाथ में एक पीला धागा आप बांध लें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि वालों की। आपकी कुंडली में शनि की ढैया चल रही है, लेकिन गुरु के आने से आपको ढैया के दोष से राहत मिलने वाली है। बृहस्पति या गुरु का गोचर में सप्तम भाव में रहने वाला है और यहाँ से लग्न को देख रहा है, जो कि आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि किसी नए काम या जॉब की तलाश में हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलने वाली है।
आपकी यात्रा के भी योग बन रहे हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी। विवाह जो लोगों का होने की उम्र हो गई है उनके योग बन रहे हैं। और यदि आप विवाह की उम्र में प्रवेश कर गए हैं तो गुरु का गोचर आपकी इस साल शादी जरूर करा करके रखेगा। अगर आपके जीवन में मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो इस समय में दूर हो जाने वाली है। परंतु ऐसे नहीं, आपके पॉजिटिव सोच, आपकी निष्पक्ष बुद्धि विवेक से ये काम होगा, इसलिए आपको ध्यान से अपने जीवन को संभालना है। प्यार का नया दौर, जो लोग की उम्र प्यार करने की है वो इस दौर को शुरू करें। बूढ़े लोग इस प्रपंच में ना पड़े, नहीं तो बदनामी हो सकती है। धन का निवेश कर सकते हैं परंतु सोच समझ के करें। पत्नी से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, खासकर स्त्री पक्ष से, तो उनकी खुशी का ख्याल रखें। आप उनकी खुशी का ख्याल रखें, विश्वास बनाए रखें, आप देखेंगे वो आपके लिए लकी चार्म बनने वाली है। मित्रों और अधिकारियों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, परंतु तुरंत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए पेशेंस बना के रखें। आपको भी अपनी कलाई पर एक पीला धागा जरूर बांध लेना चाहिए। अगले एक साल ये पीले धागे को आप अपने हाथों में बांध के रखें, आप देखें कोई विपदा आपको छू नहीं पाएगी। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। दोस्तों, मिथुन लग्न वालों की कुंडली में बृहस्पति का गोचर छठे भाव में हुआ है, सष्टम भाव जिसे हम कहते हैं, और गुरु यहाँ बैठकर कर्म व्यय और धन के स्थान को देख रहा है। अतः स्पष्ट है कि कठिन मेहनत से ही सफलता आपको मिल सकती है। ऋण हुआ, जो कर्ज हुआ, रोग हुआ, शत्रु हुआ, ये सभी आपको परेशान कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल समय है। यदि नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो निश्चित नौकरी मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन चाह रहे तो अनुकूल टाइम है, आपके अकॉर्डिंग है, और आपको इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आपकी पारिवारिक स्थिति है, वो सभी आपके अकॉर्डिंग है। व्यवसाय के लिए हो सकता है आप लोन लेना चाहें। लड़ाई झगड़ा एवं विवाद के योग बन रहे हैं, परंतु आप करेंगे नहीं अपनी बुद्धिमत्ता से, और अगर जरूरत भी पड़े तो बहुत हल्के में शांति से बैठ के इसको सुलझाएं, इससे बचने का प्रयास करें। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन्स में बैठना इस समय सफलता देने वाला है। आप जो भी कॉम्पिटिशन में बैठेंगे वो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन अपने हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आलस्य ना करें और अपनी दुश्मनी आपको किसी से नहीं गाँटनी है। जो दुश्मन है उनको अपने ऊपर, जो दोस्तों के रूप में जो दुश्मन है उनको अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना है। सप्तमेश गुरु कर्म तथा विदेश भाव को देख रहा है, इसलिए पार्टनरशिप में कार्य करने का मौका मिल सकता है, और कार्य को लेकर के आपको विदेश यात्रा या लंबी यात्राएं करना पड़ सकती है। ध्यान रखें, ये यात्राएं आपकी ज़रूर सफल होंगी। जो भी है, इसके प्रभाव, जो गुरु का जो उल्टा उल्टा प्रभाव थोड़ा बहुत आपके ऊपर पड़ने वाला है, इसके लिए आपको थोड़ी सी चने की दाल किसी गरीब को या किसी मंदिर में दान करनी चाहिए। ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। अच्छा समय आपका आ गया है। गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि के साथ गुरु के पंचम हो जाने से कई दिनों से चली आ रही परेशानियों का आपका अंत होने वाला है। कर्क राशि और कर्क लग्न वालों की कुंडली में बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में हुआ है, और पंचम भाव लक्ष्मी का यानी धन का, पैसे का, संतान का, बुद्धि का, प्यार का, शेयर मार्केट इत्यादि का भाव है। इसलिए जातक को इससे संबंधित विषय में विशेष शुभता की प्राप्ति होगी। खासकर विशेष प्रकार के शुभ समाचार मिलेंगे। थोड़े थोड़े अशुभ समाचार भी मिलने के योग हैं, लेकिन सोच समझ कर पैसा लगाएं। शेयर मार्केट में अगर आप लगाते हैं या ना लगाएं तो वो अच्छा रहने वाला है। अचानक लाभ या हानि दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, इसके लिए आप तैयार रहें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसे शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा सा लेट होगा। यदि कहीं किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन तो मिलेगा, लेकिन परेशानी के साथ। कोई नया प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप अपनी बुद्धि कौशल से भाग्य का निर्माण करेंगे, और इस बात का ध्यान रखें, नौकरी जो करने वाले जातक हैं वो नए दायित्व आपको मिलेंगे, उसका निर्वहन आप करने के लिए तैयार रहें। यदि आप प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं तो इसका लाभ भी आपको मिल सकता है। आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार का शुभ कार्य का आयोजन निश्चित हो सकता है। संतान पक्ष से कुछ कष्ट के चांसेस दिख रहे हैं। संतान का जन्म आपके घर होने के भी चांसेस हैं, अगर आप ऑलरेडी आपकी वाइफ या जो भी आपके घर में प्रेग्नेंट हैं। और व्यापार और व्यवसाय में लाभ ही लाभ होगा, लेकिन जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा तथा नए मित्र भी बनने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बृहस्पति का गोचर ठीक रहने वाला है, परंतु पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती है।
आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, धर्म स्थलों पर जाने से तथा धार्मिक कार्यों से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा, साथ में आपकी रुचि भी रहने वाली है। आपको रोज नित्य रूप से गौ पूजन करना चाहिए और गाय को भीगी हुई चने की दाल खिलाने से विशेष रूप से लाभ होगा, खासकर गुरुवार के दिन जरूर करें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए इस समय गुरु का गोचर चौथे भाव में हुआ है, अतः जातक को चतुर्थ भाव से संबंधित फल की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने नए घर की तलाश में हैं तो ये टाइम है नया मकान लेकर के आप शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर नव निर्मित जो नया घर बना है उसमें आप प्रवेश कर सकते हैं, एक मकान बेचकर दूसरा मकान ले सकते हैं। नई गाड़ी के योग बन रहे हैं, घर परिवार में खूब बहुत ही खूबसूरत सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहने वाला है, आपके मानसिक सामाजिक तथा पारिवारिक मान सम्मान में वृद्धि होने के चांसेस हैं, बड़े बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलने वाला है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी, यदि नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। इस समय आपके द्वारा सोचे हुए सभी काम पूरे होने की प्रबल संभावना है, आपको पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करने का चांस मिल सकता है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि रहने वाली है और प्रॉपर्टी में पैसा आप लगा सकते हैं, लेकिन सावधानी से लगाएं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा परंतु ध्यान रखें पेट की बीमारियां कुछ हो सकती है, केले की जड़ को पीले धागे में बांध कर अगर आप धारण करते हैं ये लाभ होगा, और नहीं तो सत्संग अगर आप जाते हैं या सत्संग सुनते हैं, वीडियोस पे भी सुन सकते हैं आप सत्संग, ये अच्छी अच्छी बातें जैसे आप अभी सुन रहे हैं इस प्रकार से सत्संग अगर जाएं या फिर सुने इससे भी आपको लाभ हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि वालों की। कन्या राशि आपकी राशि के तीसरे भाव में गुरु प्रवेश कर रहा है, तो जो भी आपके लिए होने वाला है वो बहुत ही अच्छा है, आप मेहनत से भाग्य का निर्माण करने में सफल होंगे। साझेदारी की संपत्ति को लेकर के अगर कोई पार्टनरशिप में भाई भाई की संपत्ति है या कोई भी कारण से भाइयों से विवाद हो सकता है, इसलिए आप ना करें, धैर्य से काम लें, विवेक का परिचय दें, ये समय निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। गुरु का यहाँ होने से आपके अंदर नए कामों के प्रति रुचि बढ़ने वाली है, बहुत मात्रा में आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा और छोटी यात्रा का बार बार संयोग बनेगा और यात्राओं के माध्यम से आपका काम पूरा भी होगा। यात्रा के समय किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, यात्रा में चोट चपेट आदि लगने के चांसेस बन रहे हैं, इसलिए गाड़ी आदि चलाते हैं तो संभाल कर चलाएं, यही आपके लिए बुद्धिमानी होगी। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। तृतीय भाव में बृहस्पति होने से अपने पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए विवाह की इच्छा जो लोग रखते हैं उनकी इच्छाएं भी पूर्ण होने वाली है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो उसकी संभावना बन रही है और उससे आपको अच्छा भी रहेगा, लाभ की प्राप्ति होगी। आपके मामा के घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, वहां आपको जाने का मौका मिलेगा, जरूर जाएं, मिस ना करें। आपकी सेहत संबंधी परेशानियां अगर है तो वो समय आ गया है जब ये दूर होगी, पति से, स्पेशली जो स्त्रियां हैं उनके लिए बता रही हूं, पति से सुख की प्राप्ति आपको होने वाली है। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही है उनकी शादियां तय होने का टाइम आ गया है, आपको एक छोटा सा उपाय इसके जो भी बुरे प्रभाव हैं गुरु के उनसे बचने के लिए करना चाहिए अगले एक साल तक, और वो ये है कि गुरुवार के दिन गुड़ का दान करें, सुबह सुबह सूर्य देवता के दर्शन करें, अर्घ दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि वालों की। तुला राशि के दूसरे भाव में गुरु प्रवेश कर रहा है और इससे आपको खूब लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, नया काम शुरू करने के योग हैं, आपकी नौकरी मिल सकती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और गोचर में बृहस्पति आपके धन भाव में रहेगा, वहां से सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, इसलिए रुका हुआ धन या कोई संपत्ति है उसका लाभ आपको मिल सकता है। इंश्योरेंस में अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उसकी राशि भी मिलने के योग बन रहे हैं, अगर जॉब नहीं है तो जॉब के योग बन रहे हैं, और बृहस्पति तृतीय भाव का स्वामी होकर गोचर में द्वितीय भाव में है, इसलिए घर परिवार में भाइयों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको उठानी पड़ सकती है। भाइयों में पैसों को लेकर के विवाद होने के चांसेस हैं, घर में पारिवारिक वृद्धि तो होगी शुभ कार्यों में लेकिन खर्च ज़्यादा होगा, कई बार कार्यों में रुकावट भी आएगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य से, धैर्य इज़ द कीवर्ड, पेशेंस इज़ द कीवर्ड फॉर यू, इसलिए धैर्य से काम रखें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें, बीमारियों से बच के रहें।
आपके लोन लेने के योग बन रहे हैं, इसलिए आपको लोन लेना पड़ सकता है। संतान चाहने वालों पर व्यक्ति को संतान का सुख मिलेगा, और प्यार करने वाले जो उम्र के अपनी जो स्थिति को देखते हुए, ऐसा नहीं कि आप मैरिड हैं किसी और से प्यार करें, अपनी पत्नी से प्यार करें, अपने पति से प्यार करें, ये इंपॉर्टेंट है। और जो लोग कुंवारे हैं वो अगर किसी से प्यार करते हैं तो उनको सुख मिलेगा। जो लोग भी संतान वाले हैं उनको संतान के ऊपर खर्च करने का अवसर मिलेगा। इसका सीधा सीधा ये उपाय है कि आप केसर का तिलक लगाएं और रोज विष्णु भगवान के सामने आराधना करें, प्रार्थना करें, ये आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले, आपके लिए परिवर्तन थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि आपकी बृहस्पति द्वितीयेश तथा पंचमेश में होकर के ये स्थिति आपके लिए थोड़े से कठिनाई भरा बना रही है। बंधु बांधवों का हालांकि आपको सुख मिलेगा, भरपूर रोमांस का आनंद मिलेगा। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपको विवाह के बंधन में बनने के चांसेस हैं। प्रेम और विवाह दोनों बंधन में आपके लिए संभव है, और घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहने वाला है। परिवार में कोई शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं। आपकी जो इनकम है उसमें वृद्धि होगी, लेकिन रुकावटें आएंगी, घबराए नहीं, हिम्मत से काम लें, जरूर पार कर जाएंगे। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलने वाला है। नौकरी में पद उन्नति मिलने की संभावना है। अपने स्वभाव में पॉजिटिवनेस और तार्किक सोच को विकसित करें। आय के मामलों में समय अच्छा रहेगा, मदद की प्राप्ति भी होगी और कार्य में तरक्की मिलेगी। छोटी मोटी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। गुरु का प्रवेश इस राशि में होने से पिछले समय से जो चली आ रही आर्थिक तंगी थी वो दूर होने वाली है। साथ ही सम्मान वृद्धि के साथ बड़े कार्य करने के आपको मौके मिल सकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा उपाय है, आपको पीले रंग के फलों का दान करना चाहिए। इससे आपकी जो भी परेशानियां हैं वो कम हो सकती है। रोज ना करें, कम से कम ध्यान रखें महीने में एक या दो गुरुवार, हर गुरुवार कर सके अच्छी बात नहीं, तो एक या दो गुरुवार आपको दान करना चाहिए। और खासकर शिव जी की पूजा करें, ये आपके लिए जबरदस्त लाभकारी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति 12वें भाव में गोचर कर रहा है, और ये स्थिति जातक के लिए बहुत अच्छी नहीं है। आपके परिश्रम का नाश होगा, आलस्य बढ़ेगा, नकारात्मक सोच बढ़ेगी, आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, भाइयों और घर परिवार का खर्च बढ़ सकता है, शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, इस कारण आप बेवजह परेशान हो सकते हैं। किसी शुभ कार्य में खर्च होने में हो सकता है, फिर अधिक खर्च करने से बचे, इसी में बुद्धिमानी रहेगी। और माँ से बिना बात की बहस ना करें, धर्म स्थल की यात्राएं करें, ये अच्छा है। ईश्वर की आराधना करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तो पेशेंस रखें। संबंधों में छोटी छोटी बात को लेकर करवाहट ना लाएं, अन्यथा इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। इस दौरान आपके खर्च बढ़ेंगे, आमदनी में इजाफा होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। शत्रु हालांकि शांत रहने वाले हैं, लेकिन इस दौरान अगर आप सफेद पुखराज धारण करते हैं तो ये आपके लिए जबरदस्त अच्छा होता है। खास रूप से सावधान रह करके आपको काम रह करना चाहिए। वाहन प्रयोग अगर करते हैं उसमें सावधानी रखें, और काले कुत्ते को अगर आप दूध पिला सकते हैं तो ये आपके लिए जबरदस्त लाभकारी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की, यानी कि मेरी राशि। बृहस्पति गुरु 3रे तथा 12वें भाव का स्वामी होकर के गोचर में आपके लाभ स्थान में स्थित है, इसलिए आपको अपने परिश्रम का लाभ मिलने वाला है, लेकिन कुछ कटौती के साथ। धन हानि के योग बन रहे हैं, धन उपार्जन के लिए नए नए रास्ते तलाशने पर आप आ सकते हैं, और जरूर करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, मनोकामना पूरी होगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार आपको मिल सकता है। यदि सुख के संबंध में विचार कर रहे हैं तो ये बढ़िया अवसर है, अपना प्रयास शुरू कर दें, निश्चित ही संतान सुख आपको मिलेगा। नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका कोई ना कोई पाठ्यक्रम में आपको अच्छी जगह प्रवेश मिलेगा। आपको आपके बड़े भाई का सहयोग मिल सकता है, आप में प्यार का परवान भी चढ़ सकता है। अतः अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए कदम को आगे बढ़ाएं, झूठ सच बोल करके लाभ लेने से बचें। आपके वैवाहिक बंधन में बनने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। जिन लोगों के पति पत्नी के लड़ाई झगड़े चल रहे थे उन सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत समय आ सकता है। कानूनी मामलों में अगर आप फंसे हुए हैं तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है, नए काम के चांसेस बन रहे हैं, नए काम की प्राप्ति होगी, पुरानी जायदाद आदि भी मिलने के चांसेस हो रहे हैं। साथियों के कारण आपको परेशानियां हो सकती है, शुभता के लिए रोज हनुमान जी का दर्शन करें, ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि वालों की।
धन का स्वामी गुरु का गोचर आपके कर्म भाव में हो रहा है, इसलिए धन और कार्यों का विस्तार बढ़ेगा। आपके व्यापार में, व्यवसाय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं और व्यवसाय और नौकरी को लेकर के अगर आप यात्राएं करते हैं तो सुखद रहे। आपको अपने जो साथी होंगे, अधिकारी होंगे, उनका सहयोग मिलने के चांसेस बन रहे हैं। आपकी सामाजिक तथा पारिवारिक मान सम्मान में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। जो लोग भी जॉब में नहीं हैं, उनके नए नौकरी मिलने के योग हैं। जॉब परिवर्तन के चांसेस हो सकते हैं और अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये करेक्ट टाइम है जब आप अपने जॉब को स्विच करें। नया मकान लेने के योग बन रहे हैं। पुराने मकान का सौंदर्यीकरण करें, ये उसके लिए बहुत अच्छा समय है। व्यापार में धन का निवेश कर सकते हैं, आपके लिए ये बहुत लकी टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। और स्वास्थ्य आपका एक नंबर बना रहने वाला है, बहुत ही उत्तम रहने वाला है। परिवार का माहौल बहुत ही प्यार भरा और सौहार्दपूर्ण रहेगा गुरु के इस परिवर्तन से, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलें आपकी बढ़ सकती है और ये परिवर्तन आपके लिए मंगलकारी नहीं होगा। आपको इसके लिए पीली मिठाई का दान करना चाहिए। अगर आप किसी भी महत्वपूर्ण काम में जाते हैं उस समय पीले रंग के वस्त्र पहन के जाएं। आपके लिए येलो कलर विशेष रूप से लाभकारी और सक्सेस देने वाला हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य स्थान पर हो रहा है, इस कारण गुरु का गोचर 2018 में आपको भाग्य उदय में निश्चित ही सहायक बनने वाला है। हालांकि इस भाव में गुरु शुभ नहीं माना जाता, मीन राशि वालों के लिए ये समय परेशानी भरा हो सकता है। नौकरी में परेशानियों आ सकती है। गुरु आपकी कुंडली में लग्नेश और कर्म भाव का स्वामी होकर के, भाग्य भाव स्थित होकर के आपके अंदर बहुत सारा उत्साह भर रहा है, विश्वास का संचार कर रहा है, जिससे आप हर फील्ड में सक्सेसफुल हो सकेंगे। आप अपने व्यवसाय को नए मुकाम पर लेकर के जाएंगे। आपको इसके लिए उचित अवसर और अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। और लघु यात्रा करें, छोटी छोटी यात्राएं करें या लंबी यात्राएं करें, आप जरूर करें। अगर काम धंधे के लिए करना पड़े तो इससे लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें किसी भी पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के आपको यात्राएं नहीं करनी है। आप भविष्य के लिए नई व्यवस्था बनाने में सक्सेसफुल होंगे। कर्म पर ध्यान दें, ज्यादा भाग्यवादी ना बने, भाग्य के भरोसे ना बैठे। मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है और योगा करें, इससे आपकी बुद्धि शांत होगी। विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो ये राइट समय है, प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। और घर परिवार का माहौल आप जैसा चाहेंगे वैसा चलने वाला है। आप धर्म से जुड़ सकते हैं, हालांकि आपको धर्म में इंटरेस्ट कम है। और इसके लिए आपको छोटा सा एक उपाय बताती हूँ, जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं गुरु के लिए, उसके लिए आपको बेसन और गुड़ की सेवइयाँ बना करके कौवे को खिलानी चाहिए। शुभता बनाए रखने के लिए रोज आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करें, यह आपके लिए विशेष हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, हमने बात की है 12 राशियों की। सभी राशियों पर मैंने आपको बताया किस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अपने अपने जीवन पर अगले एक साल तक गुरु का प्रभाव आना बहुत ही खूबसूरत है। सभी राशियों पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट करने वाला है, इसलिए गुरु की पूजा करें, गुरु की चीज़ों पर ध्यान दें। पीले रंग की चीज़ों का खास रूप से गुरुवार के दिन इस्तेमाल करें, यह आपके लिए सभी राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोग जिनके ऊपर गुरु का बहुत खास असर पड़ रहा है, उन सभी से इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, एंड हैप्पी नवरात्रि।